भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के बाद अपनी छुट्टियां मनाने के लिए बहन प्रियंका वाड्रा और उनके बच्चों के साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहुंचे। शिमला में वे सोलन जिले के एक ढाबे पर रुके और उन्होंने चाय नाश्ता किया। यहां पर सभी राहुल गांधी को देखकर दंग रह गए, क्योंकि राहुल गांधी जीन्स की पैंट शर्ट और जैकेट में बेहद स्मार्ट दिखाई दे रहे थे। इसी बीच खबर फैल गई तो कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी वहां पर अड्डा जमा लिया और राहुल गांधी से बातचीत शुरू कर दी। राहुल गांधी ने भी सभी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया और उन्हें यह बताया कि वे इस समय बच्चों के साथ तथा अपनी बहन के साथ निजी यात्रा पर आए हैं और कुछ समय यहाँ पर रुकेंगे। ढाबे के आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जो सभी राहुल गांधी को देखने के लिए आए थे।